हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के दिन वर्कशॉप में जो आई है गाड़ी MT15 है, रिसेंट मॉडल है ये गाड़ी। में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गाड़ी जैसी गाड़ी जब कस्टमर चला रहे थे, चलते चलते एक बार बंद हो गई। उसके बाद में उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी कब जैसी हम लोग चालू कर रहे, वो फ्यूज़ डाल के चालू कर रहे थे, फ्यूज़ बार बार उड़ जा रही थी। तो जैसी फ्यूज़ डाल रहे थे, फ्यूज़ उड़ जा रहा था। कंटिन्यू ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ दिन चली भी, कुछ एक घंटा दो घंटा। उसके बाद ये प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जैसे ही हम फ्यूज़ डाल रहे हैं, फ्यूज़ ब्लो हो जा उड़ जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूज़ का प्रॉब्लम, मेन फ्यूज़ का प्रॉब्लम है जो BS6 गाड़ियों के अंदर बहुत सारे आ रहे हैं। अब अगर ऐसे मेन फ्यूज़ के प्रॉब्लम बार बार उड़ने का अगर तकलीफ़ आता है, तो आप सभी को पता है कि ये प्रॉब्लम या तो वायरिंग से रिलेटेड है, वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से होता है, या फिर ECM शॉर्ट हो जाने की वजह से होता है, या फिर आपका चाबी स्विच जो है ढीला, या तो चाबी स्विच शॉर्ट हो जाने की वजह से होता है, वायरिंग या किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आपस में शॉर्ट हो जाने की वजह से हो रहा। तो इसका कोई एक रीज़न नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि ये जो मेन फ्यूज़ उड़ता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो आज ये जो MT15 आई है, अब इसमें ये फॉल्ट आ गया है कि अगर इसके अंदर फ्यूज़ हम लोग लगा भी रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे ही हम लोग लगा रहे, विद इन सेकेंड वो फ्यूज़ उड़ जा रहा है। और ये फ्यूज़ ब्लोन का प्रॉब्लम उनको एक हफ्ते से आ रहा था। क्लाइंट ने ये गाड़ी घर में ही रख दिया था, ये चला नहीं रहे थे। अब हमारे पास ये गाड़ी आई है वर्कशॉप के अंदर में, आज हमको इसका ये चेक करना है कि ये मेन फ्यूज़ बार बार क्यों उड़ जा रहा है। जो हमने डाउट किया है उसके अंदर का फॉल्ट है या कहीं बाहर का फॉल्ट है। चलिए फ्रेंड्स, इस वायरिंग को डायग्नोस करके देखते हैं, चेक करते हैं कि ये फ्यूज़ बार बार क्यों उड़ा रहा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये मेन फ्यूज़ बार बार क्यों उड़ रहा है। तो चलिए, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पहले हम लोग की ऑन करके देख लेते हैं कि इसका फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। आपने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे बस एक ब्लिंक हुआ, ग्रीन कलर की लाइट्स वगैरह ब्लिंक की और फिर से उड़ गया। ये फ्यूज़ इसी तरह से हो रहा है, डायरेक्ट बिल्कुल फ्यूज़ जो है ब्लोन हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फ्यूज़ की तरफ दिखा देता हूँ कि इसका क्या हाल हो रखा है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके फ्यूज़ बॉक्स में लिखा हुआ, सबसे पहला वाला जो है फ्यूज़ में दिखाया है हेड 7.5 एम्पियर, दूसरा है टर्मिनल 2 एम्पियर, और उसके बाद में 15 एम्पियर का जो ये जो है मेन। तो आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का ये जो मेन फ्यूज़ है, ये बार बार उड़ जा रहा है फ्रेंड्स। और इसके पीछे कारण ये है कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि पहले तो चाबी ऑन करने के बाद फ्यूज़ उड़ रहा था, पर अभी ये हालत है कि चाबी बंद में भी इसका फ्यूज़ उड़ जा रहा। तो चलिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर फ्यूज़ में दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्यूज़ डालिए, थर्ड नंबर का फ्यूज़ आप दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ एक तरह की क्लिक की आवाज़ आई और उड़ गई। फ्यूज़ दिखाइए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये भी फ्यूज़ ब्लोन हो गया है, बस लगाते ही, जबकि चाबी ऑन भी नहीं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ चाबी बंद है। तो पहले कि इसमें कम से कम ये तो हो रहा था कि चाबी चालू करने के बाद में फ्यूज़ उड़ता था, लेकिन अब ये हाल है कि चाबी बंद में भी फ्यूज़ उड़ जा रहा है। तो चलिए, मैं आपको दूसरा एक अभी फ्यूज़ फिर से लगा के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10 एम्पियर का एक और फ्यूज़ ले लिया। अब आपको लगेगा कि यहाँ 15 एम्पियर लिखा हुआ है, तो हम 10 क्यों डाल रहे हैं। एक्चुअली 10 एम्पियर का हो या 15 एम्पियर का, कोई भी फ्यूज़ हो, उड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अभी हमारे पास में 15 एम्पियर के कम से कम 4 से 5 फ्यूज़ थे जो पूरे उड़ गए हैं। तो अभी मेरे पास में 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये लगा के मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, 10 लगाओ या 15 लगाओ, ये एम्पियर फ्यूज़ उड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ, आप फ्यूज़ के तरफ में ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने अंदर इंसर्ट भी नहीं किया, अभी अंदर डाला भी नहीं है, तभी भी फ्यूज़ उड़ गया। तो आप ये फ्यूज़ का हाल देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही हम लोग बंद में भी फ्यूज़ अगर लगा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से उड़ जा रहा है। फ्रेंड, बार बार ये जो फ्यूज़ उड़ रहा है अपना, तो इसके फ्यूज़ के चक्कर में हम लोग कितने बार भी अगर ये फ्यूज़ डाल रहे हैं, तो ये फ्यूज़ बार बार उड़ जा रहा है। तो इसमें कोई समझदारी नहीं है कि हम लोग कितने बार भी फ्यूज़ नया डालें और बार बार उड़ जाए, तो ये लॉस है बस अपना। तो अब इसके लिए हम लोगों ने एक उपाय सोचा है। एक्चुअली इस तरह का आपको पार्किंग होल्डर की ज़रूरत है, कैमरा होल्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपको एक पार्किंग होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमने कैमरे को एक सही पोजीशन दे दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बार बार फ्यूज़ उड़ाने से अपना कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हमने एक ऐसा होल्डर जो है पार्किंग होल्डर ले लिया है। ईजिली मिल जाता है ये पार्किंग होल्डर, सबके पास में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमको शॉट चेक करना है। तो शॉट कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, जनरली आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक मेन दिया। आप सबको पता होगा कि मेन और मेन में, यहाँ जो मेन और मेन में अगर मैं जलाऊंगा, थोड़ा पीछे से दिखाना, थोड़ा ऊपर से दिखाइए, ये मेन और मेन में अगर दोनों फ्यूज़ में मैं टच करूंगा, ठीक है, तो ये पार्किंग बल्ब जलेगा नहीं, जबकि हमारा चाबी भी ऑन है। ये पार्किंग बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बस यहाँ पे मेन और मेन, बस जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है
वो एक्चुअली प्लस का पॉइंट रहता है, बैटरी का प्लस पॉइंट रहता है। फ्रेंड्स मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, आप यहाँ देखिए कि जब तक प्लस और माइनस मिलेगा नहीं, जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक ये पार्किंग होल्डर जल नहीं पाएगा। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, जो ये फ्यूज बॉक्स होता है फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से पॉजिटिव पॉइंट्स का फ्यूज बॉक्स होता है। मतलब इसके अंदर, ये पूरे फ्यूजेस के अंदर में केवल और केवल प्लस का पॉइंट आता है, मतलब बैटरी का प्लस पॉजिटिव टर्मिनल का आता है। तो ये दोनों अगर हम लोग टच करते हैं तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो अब यहाँ जो हमारा फ्यूज शॉट है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए इस पॉइंट के अंदर में मैंने एक आधी पॉइंट के अंदर में ये लगा दिया है, और यहाँ पार्किंग से ये जो होल्डर को मैंने लगा दिया अर्थ, तो यहाँ पे बल्ब जल जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस मिल रहा है, तो अंदर जब प्लस और प्लस मिलेगा तो ये होल्डर नहीं जल सकता है। तो अब हमको करना क्या है, बार बार फ्यूज उड़ाने से अच्छा ये फ्यूज इसलिए उड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है पॉइंट इस फ्यूज के अंदर में कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है, आपको एक पॉइंट साइड में यहाँ लगा देना है और एक पॉइंट इस साइड में लगाना है। आप यहाँ देख पाएंगे, चलिए मैं इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो पॉजिटिव पॉइंट को हमने एक साइड के जो फ्यूज का जो साइड है उसमें एक साइड में लगा दिया है, और अब देखिए नेगेटिव को यहाँ जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ ये बल्ब जल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि केवल यही फ्यूज, मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी फ्यूज पे बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन इसी पर्टिकुलर यही फ्यूज के ऊपर में हमने जैसे ही इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट डाला ये बल्ब जल गया, जबकि जलना नहीं चाहिए क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉइंट से कोई भी बल्ब नहीं जल सकता है। इसका मतलब क्लियर है कि आपके जो फ्यूज में है एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव मिल रहा है, इसके वजह से बल्ब जल गया। तो फ्रेंड्स अभी बार बार फ्यूज उड़ाने से अच्छा हमने ये एक तरीका निकाला है, ये बल्ब जब तक जलता रहेगा जब तक ये चीज शॉर्ट रहेगी। तो अब हमको करना क्या है, आप सभी को पता होगा कि ये जो बल्ब अगर चालू हो गया है तो हम क्या करेंगे, सभी सॉकेट्स को निकाल निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि इसका इग्निशन स्विच चेक करेंगे सॉकेट को निकाल के डायरेक्ट करके, उसके बाद में इसके ECM को चेक करेंगे सॉकेट को निकाल के, उसके बाद अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है उसको निकाल निकाल के चेक करेंगे। जहाँ जाके ये बल्ब बंद हो जाएगा वहीं पर शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले इग्निशन स्विच की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने MT का पूरा जो है टैंक ओपन कर लिया है ताकि इधर की वायरिंग इजीली हमको दिख सके। तो आइए क्लोज आइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं इसके जो इग्निशन स्विच का ये जो वायर है ये यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इग्निशन स्विच का जो वायर है जो सॉकेट है वो यहाँ लग के है, और यहाँ पे इसी स्टेज में दिखा दीजिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, अभी भी जो लाइट है वो जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइए इधर, सबसे पहले इग्निशन स्विच के सॉकेट को डिसकनेक्ट करके देखेंगे कि कुछ असर पड़ता है या नहीं। तो हमने डिसकनेक्ट कर दिया, दिखाइए यहाँ पे, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे अभी भी ये लाइट आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से भी शॉर्ट नहीं है। तो आगे की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग बैक साइड में फिर से आ गए हैं, इग्निशन स्विच से काम नहीं जमा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसका जो सेल्फ का रिले है इसको निकाल लेते हैं, और इस बार देखते हैं कि सेल्फ के रिले में से निकालने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर लिया है सेल्फ का रिले भी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे लाइट जली रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ। अभी एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ का जो सभी इक्विपमेंट के साथ में एक बार ECM को हम लोग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे लूज कनेक्शन हो गया इसलिए बल्ब बंद हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। तो एक बार ECM को भी डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, इसका ECU जो है वो भी एक बार डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। तो ECU को डिस्कनेक्ट करने के लिए थोड़ा ऊपर लीजिए यहाँ जी, एक बार ECU को ही डायरेक्ट हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा दूर से दिखाइए यहाँ से, यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ECU मेरे हाथ में है, फिर भी ये लाइट अभी भी शॉर्ट बना हुआ है। तो चलिए यहाँ से तो दोनों तीनों चीज़ें हमने चेक कर ली है, कुछ और चेक करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग जो इसका टेल लाइट की जो है कंप्लीट असेंबली जो है जहाँ से सॉकेट लगा रहता है इसको निकाल के एक बार देखते हैं कि कहीं से ऐसा तो नहीं कि बैकलाइट शॉर्ट हो गया है। तो ये ट्रिपल वायर का ये जो बैकलाइट का सॉकेट है इसको भी एक बार निकाल लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स यहाँ भी नहीं है, अभी भी ये लाइट जल रहा है, इसका मतलब अभी भी इसका शॉर्ट बना हुआ है, पीछे में अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने सॉकेट निकाल लिया, बस ये ब्लूटूथ डोंगल एक है यहाँ पे, ब्लूटूथ डोंगल को भी बाहर निकाल के एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ब्लूटूथ का ये डोंगल है यहाँ पे, तो इसको भी निकाल के एक हाँ ये दिखाइए यहाँ पे ऊपर से दिखाइए बिल्कुल। ये फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इजिली कि जैसे मैंने ब्लूटूथ का डोंगल निकाला यहाँ पे लाइट बंद हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्किंग बल्ब जो ग्लो हो रहा था जो जल रहा था वो बंद हो चुका है। तो मैं आपको एक बार और यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ जैसा कि मुझे दिख रहा है। ये मैंने ब्लूटूथ का कनेक्शन लगाया
और यहाँ से केवल कनेक्शन लूज़ हो गया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लगा के। ये देख लीजिए कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है और यहाँ जैसे ही मैं ब्लूटूथ का कनेक्शन निकालूंगा आप नोटिस कीजिएगा कि वो लाइट बंद हो जा रहा है। जैसे ही मैंने डोंगल ब्लूटूथ डोंगल को मैंने निकाला आपने यहाँ देखा है लाइट बिल्कुल बंद हो गया। फिर से एक बार लगा के चेक करते हैं, ये देखिए ब्लूटूथ को मैंने कनेक्ट किया ऊपर से और दिखाइए, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ डोंगल है जैसे ही मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो ये लाइट है ना ये जल जा रहा है। इसका मतलब शॉर्ट इसी के अंदर में है, यहाँ कुछ और है क्या? नहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ये केवल ब्लूटूथ का ही है। मैं इसको एक बार और निकल के दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ जैसे ही मैं कनेक्शन को लूज़ कर रहा हूँ यहाँ से लाइट बंद हो जा रहा और जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लाइट चालू हो जा रहा। इसका मतलब जो शॉर्ट का इशू जो है पूरे गाड़ी में जो बल्ब जो फ्यूज ब्लोन हो रहा बार बार उड़ जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लूटूथ से ही है। तो चलिए इसको अभी लगा के इसको ब्लूटूथ को भी लगा लेते हैं और यहाँ कनेक्शन निकालते हैं पहले और एक फ्यूज़ को लगाते हैं। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ एक फ्यूज़ को हम लोग लगा के देखते हैं कि फ्यूज़ उड़ तो नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट डोंगल लगा ही हुआ था और एक फ्यूज़ लगाया वो भी उड़ गया। तो अभी क्या करता हूँ मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, ब्लूटूथ को अलग कर देता हूँ और उसके बाद फ्यूज़ लगा के देखता हूँ। तो पहले जैसे ही हम यहाँ पे लगाते थे फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इसका जो फ्यूज़ का जो फिलामेंट है अंदर वाला तो उड़ जाता था। अब मैं इसको इजीली अंदर प्रेस कर रहा हूँ, कोई स्पार्क नहीं हुआ, कुछ भी उड़ा नहीं। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर से बताइए कि हमने ECM को भी निकाला, हमने यहाँ पे इसके जो अपना सेल्फ का रिले है उसको भी डिस्कनेक्ट किया, चाबी स्विच हमने चेक किया उसके बावजूद भी नहीं हुआ। से भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से उसको अलग अलग करके देखा हमने लेकिन कुछ उसमें हेल्प हुआ नहीं था। जैसे हमने ब्लूटूथ डोंगल को निकाला इसका फ्यूज़ ब्लोन होना जो उड़ना बंद हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले इस पूरी गाड़ी को पैक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं, क्योंकि चाबी बंद में भी इसका फ्यूज़ उड़ा रहा था। तो अब ये चेक करेंगे कि अब गाड़ी ये स्टार्ट होती कि नहीं विदाउट ब्लूटूथ डोंगल के। सो फ्रेंड्स हमने ये जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी गाड़ी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अलग रख दिया है। तो ब्लूटूथ का ये जो कनेक्शन है बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। वापस से हमने ECM को इंस्टॉल कर लिया है, इसका जो सेल्फ रिले लगा दिया है, फ्यूज हमने यहाँ पे जो कंपनी से स्टॉक 15 एम्पियर का था वही लगा दिया, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने बाहर से बुला लिया 15 एम्पियर का फिर से, और जितनी भी चीजें थी वापस से उसको फिट कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका गाड़ी का जो चाबी स्विच ऑन करने के बाद फ्यूज उड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इजिली चाबी स्विच ऑन करने के बाद भी कोई फ्यूज उड़ा नहीं है, और यहाँ सेल्फ स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। तो यहाँ चाबी तो आप यहाँ पे अच्छे से नोटिस कर सकते हैं फ्रेंड्स कि गाड़ी स्टार्ट है और बिल्कुल अच्छी तरह से कोई इशू नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख लीजिए वही एग्जैक्टली ब्लूटूथ को हमने बस निकाल के रखा है, बाकी सब चीजें एज इट इज हमने वापस से फिट कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं एज इट इज सब चीज वापस से फिट कर दिया है, टैंक लगा लिया हमने बस। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डोंगल जो था, इस डोंगल के ऊपर लिखा है कम्युनिकेशन यूनिट असेंबली ब्लूटूथ डोंगल, मतलब BT डोंगल। ये BT डोंगल जो है इसका मतलब है ब्लूटूथ डोंगल। एक्चुअली इसका काम है मोबाइल से कनेक्टिविटी देना और GPS से पे वर्क करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ है, किस लोकेशन पे है, और आपके मोबाइल के साथ ये कनेक्ट करता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जब अगर शॉर्ट हो गया तो भी गाड़ी का जो है मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि इस चीज के शॉर्ट हो जाने से एक तो आप देख रहे थे कि फ्यूज ब्लोन हो रहा था, और अभी मेरी शोरूम से बात हुई वहाँ ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं है, वहां भी उन लोगों का कहना था कि अगर ये चीज शॉर्ट हो जाए तो एक तो इसका फ्यूज ब्लोन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसा कि मेरे केस में हुआ, बैटरी डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम होता है और साथ में करंट जो रहता है करंट गायब होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मेरी कस्टमर से अभी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा है मैं बिना ब्लूटूथ के इस गाड़ी को रन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आपने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसा डायग्नोस किया, आपके जरूर ये वीडियो काम में आएगी। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोस में, टिल देन टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।